हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उर्फी जावेद को अक्सर आपने बोल्ड अंदाज में देखा होगा, अक्सर अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर वो चर्चाओं में रहती हैं। इसके अलावा जिस तरीके से वो बयानबाजी करती हैं, कुछ भी बोल जाती हैं मीडिया के सामने, वो भी बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरता है। लेकिन आज हम उर्फी जावेद के किसी अतरंगी अवतार की बात नहीं करेंगे, उनके किसी बोल्ड बयान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके संस्कार आपको दिखाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो इंडियन अटायर में नजर आ रही हैं, सूट सलवार पहने हुए उर्फी जावेद दिख रही हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गणेश चतुर्थी की बधाई दी है, वो भी अलग अंदाज में। यहां पर वो एक भजन गाती हुई नजर आ रही हैं और ये देखने के बाद उनके फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे टीवी स्टार्स हैं जो उनके इस पोस्ट पर कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो फैंस के लिए यही बड़ी बात है कि उर्फी जावेद बिल्कुल ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं, और इससे बड़ी बात यह है कि वो भजन गा रही हैं। आपको पता ही होगा मुस्लिम समुदाय से आती हैं उर्फी जावेद, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भजन गाया वो वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल इस भजन में कई सारे संस्कृत के शब्द हैं और जिस फ्लुएंसी के साथ, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उर्फी जावेद इन संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उर्फी जावेद ने अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन लिखा। कैप्शन में वो लिखती हैं, गणपति बप्पा मौर्या, ये मेरा इंडियन आइडल का ऑडिशन नहीं है। किसी को भी जज बनना है तो वो कोर्ट जाए, मैं गाना नहीं गा सकती और ये बात मुझे पता है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में उर्फी जावेद सिंगर शंकर महादेवन के पॉपुलर गणेश भजन श्री गणेशाय धीमहि को गा रही हैं। रील वीडियो में शंकर महादेवन का गाना चल रहा है और पीछे से उर्फी जावेद भी संस्कृत के शब्दों को बोलती हुई नजर आ रही हैं। अब कॉपीराइट इशू की वजह से हम आपको उर्फी जावेद का ये पूरा वीडियो म्यूजिक के साथ तो नहीं सुना पा रही हैं, ये आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, उर्फी जावेद के ये संस्कार देखकर आपको कैसा लगा, उनके इस अंदाज पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।